आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडाप्टेशंस के बारे में। शुरुआत करते हैं। बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं ऑर्गेनिज्म्स के पास एक्सट्रीम एनवायरनमेंट से कोप करने के लिए। हम या तो वो फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट करते हैं, यानी अपने फंक्शंस चेंज करते हैं, बॉडी फंक्शंस, या वो बिहेवियर चेंज करते हैं। जैसे कि एक उसमें तरीका होता है माइग्रेशन, माइग्रेट कर देना, किसी नई जगह लोकेशन पे चले जाना। तो ऐसा वो क्यों करते हैं? ताकि स्ट्रेस कम हो जाए उनके ऊपर और उनके सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाएं। तो फिजियोलॉजी को चेंज कर देना, फंक्शंस को चेंज कर देना या बिहेवियर को चेंज करना, ये सब क्या है? एडाप्टेशंस है, अनुकूलन कहते हैं इसको हिंदी में। तो एडाप्टेशन क्या है? एडाप्टेशन इज एन एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये एट्रीब्यूट यानी ये फीचर कैसा भी हो सकता है ऑर्गेनिज्म का, उसका उसकी बनावट, बाहरी बनावट से संबंधित हो सकता है, मॉर्फोलॉजिकल हो सकता है, उसके फंक्शन से संबंधित हो सकता है, या उसके व्यवहार से संबंधित हो सकता है, उसके बिहेवियर से संबंधित हो सकता है। और जो उस ऑर्गेनिज्म को शक्ति देता है कि वो सर्वाइव कर सके और रिप्रोड्यूस भी कर सके उसी हैबिटेट में जिसमें वो रहता चला आ रहा है लंबे समय से। सो दिस इज अडाप्टेशन। सो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको उसका डेफिनेशन नोट कर लेना है। बहुत सारे अडाप्टेशन ऐसे हैं जो इवोल्यूशन की लंबे समय में और जेनेटिक्स के चेंज होने के साथ साथ आते चले गए हैं, यानी जीन्स में बदलाव, ऑल्ट्रेशन आए हैं, इवोल्यूशन हुआ है ऑर्गेनिजम्स का और एडाप्टेशंस आते चले गए। जैसे पानी की कमी पर अब एक्सटर्नल सोर्स पानी का बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसे केस में कंगारू रेट जो होता है वो कहाँ रहता है? नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट्स में। तो वो कंगारू रेट जो होता है अपनी जितनी भी पानी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन से, जिसमें पानी बाय प्रोडक्ट के तौर पर निकलता है। तो अपनी बॉडी के अंदर वो फैट को ऑक्सीडाइज करता है, जो फैट उसकी बॉडी में स्टोर्ड है, और फिर उसको वाटर मिल जाता है जिस वाटर से वो अपना काम चलाता है। इसके अलावा वो अपने यूरिन को कंसंट्रेट करना भी जानता है। कंसंट्रेट करने का मतलब ये है कि जो वाटर लॉस है यूरिन में वो लेस होगा, कम होगा। तो एक तो वो फिजियोलॉजी से वाटर को प्रोड्यूस कर रहा है फैट से, और दूसरा वो यूरिन को कंसंट्रेट कर रहा है जिससे कि वाटर का लॉस कम से कम हो जाए, ताकि एक्सक्रीशन भी चलता रहे उसका और वाटर लॉस भी कम हो। तो ऐसे एडाप्टेशंस इसने कर रखे हैं। उसके कुछ और एडाप्टेशंस के बारे में देख लेते हैं। वो बरो में भी रहता है, BURROW, वो बरों में भी रहना जानता है डे टाइम पर, जिससे कि वो बरो यानी गड्ढा तो उसके अंदर छुप जाता है, जिससे कि वो दिन में गर्मी से अपने आप को बचा लेता है। इस कंगारू रेट को पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती बाहर से, बिकॉज ये ज़्यादातर पानी अपने आप ही प्रोड्यूस कर लेता है। इवन ये जो सांस छोड़ता है, जो एयर रिलीज करता है, उसमें से भी मॉइस्चर को रिट्रीव कर लेता है, अपनी बॉडी के अंदर सोख लेता है। तो ये कंगारू रेट के मैकेनिज्म्स हैं। इसकी यूरिन और इसकी जो फीसीज हैं वो बहुत कंसंट्रेटेड होती हैं, फीसीज काफ़ी सॉलिड निकलती हैं इसकी, इसमें पानी के अमाउंट काफ़ी उसमें कम होता है। तो इस प्रकार से कंगारू रेट का बहुत अच्छा एडाप्टेशन है। कैमिल का भी आपने नाम सुना होगा, काफ़ी अच्छे एडाप्टेशंस वो करता है। कैमिल क्या करना जानता है? देखिए, कैमिल की जो स्वेटिंग है यानी पसीना जो निकलने का काम है, वो 50 डिग्री तक तो वो करता ही नहीं है। 50 डिग्री सेल्सियस तक इट डज नॉट स्वेट, ताकि पानी का लॉस कम हो। उसका जो नॉस्ट्रिल साइज होता है वो स्मॉल होता है कैमिल का। नॉस्ट्रिल साइज इज स्मॉल। क्यों भाई? इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो सैंड है
वो उसके नाक में कम जाएगी। ड्राई सैंडी एनवायरनमेंट में वो रहता है तो सैंड का जो प्रेजेंस है वो घटेगा। कैमिल भी अपने जो नोज़ है उसमें मॉइस्चर को कंट्रोल कर लेता है, तो जो एयर बाहर जाती है वो मॉइस्चर कम लेके जाती है। और कैमिल के अंदर एक और ख़ास बात है कि वो डिहाइड्रेशन को 40% तक सह सकता है। कैन टॉलरेट अप टू 40% डिहाइड्रेशन, मतलब उसकी बॉडी में से अगर 40% तक पानी कम हो जाए तो भी उसको अपने आप को ज़िंदा रखना आता है। यूरिन को कंसंट्रेट बनाता है, यूरिन को कंसंट्रेटेड रिलीज़ करता है वो। सो इट रिलीजेस कंसंट्रेटेड यूरिन सो एज टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। और ये कई कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है, लेकिन जैसे ही पानी आता है वो 80 लीटर तक पानी 10 मिनट के अंदर पी सकता है। कैमिल कैन ड्रिंक 80 लीटर्स ऑफ वाटर विद इन 10 मिनट्स टू रिहाइड्रेट इटसेल्फ। तो ये कैमिल के अडाप्टेशंस थे। तो आपने कैंगरू रैट और कैमिल के अडाप्टेशंस के बारे में अभी जान लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं उनके लीफ सरफेस पर आपको क्यूटिकल की थिक लेयर मिलेगी। आपको डेजर्ट प्लांट्स की जो स्टोमेटा हैं वो सनकिन मिलेंगे। सनकिन का मतलब वो डीप पिट्स के अंदर प्रेजेंट है, यानी ये सपोज़ ये लीफ सरफेस है तो स्टोमेटा जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द डीप पिट्स, इनको हम बोलते हैं सनकिन स्टोमेटा। सो दैट लॉस ऑफ वाटर इज मिनिमाइज्ड, बिकॉज जो ये डीप पिट्स होती हैं इसमें इतनी हीट नहीं होती एज कम्पेयर टू द अपर सरफेस विच इज़ फुली एक्सपोज टू द सनलाइट। अपर सरफेस पे सनलाइट सीधी पड़ रही है जबकि जो पिट्स हैं उसके अंदर इतनी सनलाइट्स नहीं पहुंच पा रही, तो इस वजह से वाटर लॉस भी कम होता है। इसके अलावा डेजर्ट प्लांट्स के पास एक स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे है जिसको CAM यानी क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, जिसके कारण इनके स्टोमेटा दिन के समय बंद रह सकते हैं और रात के समय ये स्टोमेटा को ओपन करके अपना जितना भी CO2 फिक्सेशन है वो नाइट के टाइम में कर लेते हैं। तो दिन के समय अपने स्टोमेटा को बंद रख सकते हैं ये और फोटोसिंथेसिस आराम से कर सकते हैं। आपने ओपनशिया के बारे में तो सुना ही होगा, इसके पास लीव्स नहीं होती। लीव्स किस में कन्वर्ट हो चुकी होती हैं? स्पाइंस में, ताकि वाटर लॉस कम से कम हो। और अब फोटोसिंथेसिस का काम कौन निभा रहा है? स्टेम। तो ये कुछ अडाप्टेशंस थे डेजर्ट प्लांट्स के। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट। अब अगर हम डिस्कशन करें अबाउट मैमल्स हु लिव इन कोल्डर क्लाइमेट्स, दे हैव जनरली शॉर्ट ईयर्स एंड लिम्ब्स टू मिनिमाइज द हीट लॉस। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो बॉडी सरफेस होता है उससे जो हीट लॉस होता है ये छोटे एनिमल्स में जिनका बॉडी वॉल्यूम टू सरफेस एरिया उसमें देखा जाए तो उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम, तो वो काफ़ी तेज़ी से होता है। ये जो एनिमल्स रहते हैं कोल्डर क्लाइमेट्स में इनके जो ईयर्स होते हैं और इनके जो लिम्ब्स होते हैं वो छोटे होते हैं। छोटे होने की वजह से वो अपने सरफेस एरिया को कम कर लेते हैं। इसको बोलते हैं एलन्स रूल कि इनके जो ईयर्स हैं वो छोटे हों या इनके लिम्ब्स हैं छोटे हों जो कोल्डर क्लाइमेट पर रहें, तो इससे क्या होगा? सरफेस एरिया कम होगा तो हीट लॉस या जो है वो उस समय उनका कम होगा, बिकॉज कोल्डर क्लाइमेट में क्या हीट लॉस एक प्रॉब्लम है, तो हीट लॉस को बचाना है तो ऐसा करना पड़ेगा। इसको हम एलन्स रूल कहते हैं, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। इन द पोलर सीज, ठंडे समुद्रों में पोल्स के पास जो सी होते हैं आपको वहाँ पे सील मछली मिलेगी, दे हैव थिक लेयर ऑफ फैट बिलो देयर स्किन दैट एक्ट्स एज इंसुलेटर। तो देखिए इनकी स्किन के नीचे
फैट होता है जिसको हम ब्लबर बोलते हैं, जो कि हीट को बाहर जाने से रोकता है और इसकी वजह से ये गर्म रह पाते हैं। तो ये क्या है फैट का होना, बहुत मोटी थिक लेयर ऑफ फैट है ना, ये तो पोलर बियर में भी आपको देखने को मिल जाएगा ऐसा थिक लेयर ऑफ फैट। इंसुलेशन का काम करता है, बॉडी हीट को प्रिजर्व रखता है, तो ये अडाप्टेशन है। आइए और दूसरे अडाप्टेशंस के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे हमारी फिजियोलॉजी हमारे अडाप्टेशंस में हेल्प करती है। अगर आप कभी किसी हाई एल्टीट्यूड प्लेस में गए हों, जैसे कि मनाली गए हों, तो आप रोहतांग पास पर अवश्य गए होंगे। रोहतांग पास की जो ऊंचाई है वो सी लेवल से 3,500 मीटर या उससे थोड़ा सा अधिक है। इतने ज़्यादा एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन लेवल कम होता है, जिसके कारण अगर आप वहाँ नहीं रहते हो, निवासी नहीं हो पहाड़ों के, तो आपको वहाँ दिक्कत होगी। इसको बोलेंगे एल्टीट्यूड सिकनेस। आपका सिर भारी हो जाएगा, आपको थकान महसूस होने लगेगी, आपको हो सकता है उल्टी की शिकायत होने लग जाए, आपके हार्ट की जो बीटिंग्स हैं वो इरेगुलर भी हो सकती हैं, या तेज़ धड़कना स्टार्ट हो जाएगा आपका हार्ट। तो ये सारी सिम्टम्स आपके अंदर आ सकते हैं बिकॉज़ वहाँ ऑक्सीजन का काफ़ी लो कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी काफ़ी कम है, तो इस कारण से आपको दिक्कतें आएंगी। तो अगर आप वहाँ रहना शुरू कर दो तो आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी भी चेंज होगी, अडाप्ट होने लग जाएंगे आप उस एल्टीट्यूड के लिए, और कुछ दिनों बाद एल्टीट्यूड सिकनेस कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपकी बॉडी ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, तो किया कैसे, हाउ डिड योर बॉडी सॉल्व द प्रॉब्लम? तो बॉडी ने क्या किया कि अपना आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया। तो जब आरबीसी लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा? आरबीसी लेवल के बढ़ने से द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन दैट इज अवेलेबल फॉर द बाइंडिंग इज इंक्रीज्ड, ठीक है, वो बढ़ जाएगा क्योंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता ही है। दूसरा काम ये किया कि डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी ऑक्सीजन के साथ जो हीमोग्लोबिन है वो अच्छे से बाइंड हो जाए और आसानी से रिलीज भी करे उसको, तो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट बाइंडिंग ना करे ऑक्सीजन से कि वो उसको रिलीज़ ना करे, बहुत रैपिडली रिलीज़ करे वो उसको टिश्यू लेवल पर। तो बाइंडिंग एफिनिटी को कम कर दिया ताकि वो रैपिड रिलीज़ हो जाए और आपका ब्रेथ रेट भी तेज़ कर दिया। तो इस वजह से आपका जो है, हम ये कह सकते हैं कि अडाप्टेशन हो गया, तो आप हाई एल्टीट्यूड पे आसानी से सरवाइव कर जाओगे। ब्रीदिंग रेट तेज हो गया तो भाई सांस तेज चलेगी आपकी, तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी तेज़ काम करेगा साथ के साथ, और ऑक्सीजन जल्दी से आपके पूरी बॉडी के अंदर पहुँचेगी। बहुत सारे ट्राइबल लोग हैं, ऐसे ट्राइब्स हैं जो एल्टीट्यूड में ही रहते हैं हमेशा, उनका जो आरबीसी लेवल है वो हाई ही होता है एज़ कम्पेयर टू दोज हु आर लिविंग इन द प्लेन्स। बहुत सारे एनिमल्स हैं, इनमें जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स द मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंड हेंस ऑल द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस प्रोसीड ऑप्टिमली इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जहाँ पर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होती है जिसके अंदर वो अच्छा एक्शन करते हैं, बट ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे जो ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ टेम्परेचर 100 से भी ऊपर है, जैसे डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, समुद्र के अंदर पाए जाने वाले हाइड्रोथर्मल वेंट्स, वहाँ पर हॉट स्प्रिंग्स जो चट्टानों के बड़े बड़े पर्वतों के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कैसे हो पाता है कि वो इतने हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर पाते हैं? तो इसका आंसर आप ये कह सकते हैं कि दे हैव स्पेशल एंजाइम्स एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट इनेबल डेम टू मेटाबोलाइज कम्फर्टेबली एट हाई टेम्परेचर। उनके पास स्पेशल एंजाइम्स हैं जो हाई टेम्परेचर पर ही एक्ट करते हैं ईजिली, और उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, वो स्पेशलाइज्ड है, जिसके कारण वो आसानी से वहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये आंसर आप इसमें दे सकते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो
बहुत ज़्यादा कूल प्लेसेस पर रह पाते हैं। भाई ये भी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे रह पाते हैं वो। हाउ? तो आप इसमें इवन जो अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा, और कहीं दूसरी जगहों पर, जैसे देखिए मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये मैनी फिश थ्राइव इन एंटार्क्टिक वाटर्स वेयर द टेम्परेचर इज ऑलवेज बिलो ज़ीरो। ऐसी मछलियाँ भी देखने को मिलेंगी जो अंटार्कटिक वाटर्स में रहती हैं, जहाँ टेम्परेचर ज़ीरो से काफ़ी कम होता है। वो कैसे मैनेज करती हैं अपने बॉडी फ्लड्स को फ्रीज होने से बचाने के लिए? तो इसका आंसर आप दे सकते हैं कि देयर बॉडी फ्लड कंटेन एंटी फ्रीज सॉल्यूट्स। देयर बॉडी फ्लड्स कंटेन एंटी फ्रीज सॉल्यूट्स। अब कौन कौन से एंटी फ्रीज सॉल्यूट्स हैं? जैसे कि ग्लिसरॉल, सम एंटी फ्रीज प्रोटीन्स, सम एंटी फ्रीज प्रोटीन्स। ओके, तो इनकी वजह से क्या होता है? द सॉल्यूट्स लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बॉडी फ्लड्स वेल बिलो ज़ीरो। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है इनके सॉल्यूट्स के प्रेजेंस के कारण, वो ज़ीरो से भी काफ़ी नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से आसानी से आइस का फॉर्मेशन उनकी बॉडी के अंदर नहीं होता। एज ए रिजल्ट आइस फॉर्मेशन इज प्रिवेंटेड एंड द एनिमल्स रिमेन एक्टिव। जैसे एक मछली का नाम आपको बताता हूँ, जैसे आइस फिश, वो बहुत फ्रीजिंग कोल्ड वाटर में रह सकती है। दूसरी है एंटार्कटिक फिश, ये कॉमन नेम्स है, एंटार्कटिक फिश, ठीक है ना, एंटार्कटिक फिश लिख लेंगे आप। ऐसे ही आर्के बैक्टीरिया के बहुत सारे आपको स्पीशीज़ मिल जाएंगे जो बहुत हाइड्रोथर्मल वेंट्स में या बहुत ज़्यादा गर्म पानी में रहना जानते हैं। तो ये सब है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। लार्ज वैरायटी ऑफ मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स एंड फिश लिव एट द ग्रेट डेप्थ्स। तो ये जो मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स हैं और जो फिशेज हैं, ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में रहना जानती हैं। अब डेप्थ पे, डेप्थ मतलब पानी की गहराइयों में, तो वहाँ पर क्या दिक्कत आएगी? वहाँ पर जो प्रेशर होगा वो बड़ा हाई होगा। इतने ज़्यादा प्रेशर को कैसे वो सह पाएंगी, है ना, कैसे टॉलरेट कर पाएंगी? हाउ डू दे लिव अंडर सच हाई प्रेशर्स? डू दे हैव एनी स्पेशल एंजाइम्स? तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि दोज ऑर्गेनिजम्स हु आर लिविंग एट द बॉटम ऑफ सी टू बियर प्रेशर ऑफ मोर देन 100 टाइम्स द नॉर्मल प्रेशर, दे डू सम एडाप्टेशन। फॉर एग्जाम्पल, येस देयर एंजाइम्स आर, बिल्कुल इनके एंजाइम्स अलग प्रकार के होते हैं, एंड ऑल्सो देयर बायोकेमिकल एडाप्टेशन आर ऑल्सो प्रजेंट। दे डू नॉट पजेस एनी एयर सैक, उनके पास आपको एयर सैक नहीं मिलेंगे, मतलब बॉडी के अंदर ना कैविटीज़ कम से कम होंगी, ताकि उनकी बॉडी के ऊपर जो प्रेशर का इफेक्ट है वो कम से कम हो। और बायोकेमिकल एडाप्टेशंस भी बहुत सारे होती हैं उनकी बॉडी में, जिसकी वजह से वो आसानी से इतनी गहराइयों में रह पाते हैं। प्रेशर बहुत होता है डीप सी में, तो एक तरीका ये भी है कि स्केलेटल स्ट्रक्चर जो है उसको मजबूत किया जाए और कैविटी कम से कम की जाए अपनी, और क्योंकि कैविटी कोलैप्स हो सकती है, मेटाबॉलिज्म को स्लो कर लेते हैं ये, एक तरीका ये भी हो सकता है। और मेटाबॉलिज्म स्लो करने से इनकी जो डिमांड है वो घट जाती है, तो इस तरीके से दे कैन रिमेन अंडर हाई यू कैन से प्रेशर। लास्ट पार्ट देखते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे शो बिहेवियरल रिस्पॉन्स टू कोप अप विद द वेरिएशंस इन द एनवायरनमेंट। अब बिहेवियर से कैसे एक ऑर्गेनिज्म अपनी जान बचा सकता है, एनवायरनमेंट के साथ रह सकता है चेंज होते हुए एनवायरनमेंट के साथ? तो आपको एग्जांपल देना है इसमें डेजर्ट लिजर्ड का। उसके पास पास ना फिजियोलॉजिकल एबिलिटी नहीं है मैमल्स जैसी कि वो अपने बॉडी को रेगुलर टेम्परेचर पर रख पाए,
जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसको दिक्कतें होना स्टार्ट हो जाएंगी, उसकी फिजियोलॉजी उसको सपोर्ट नहीं कर रही, बट फिर भी वो अपने आप को मैनेज कर लेती है। कैसे कर लेती है? बिहेवियरल मीन्स से, यानी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाके। अगर टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो वो सूरज में जा सूरज के प्रेजेंस में निकल जाती है, सन को फेस करने स्टार्ट कर देती है, मतलब धूप सेकना, जिससे उसकी बॉडी के अंदर हीट आती है अगर टेम्परेचर कम है तो। बट अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वो शेड में चली जाती है, पत्थरों के पीछे, रेत के नीचे, जिससे कि वो अपने आप को बचा पाती है। कुछ स्पीशीज़ तो ऐसी होती हैं जो गड्ढा बना लेती हैं मिट्टी के अंदर और उसमें छुप जाती हैं, ताकि ज़मीन के ऊपर जो हीट है उससे बचा जा सके। तो ये डेजर्ट लिजर्ड का एक एग्ज़ाम्पल था आपके लिए, जो आपको हीट से बचाने के लिए पढ़ना है। हीट से बचने वाले अडाप्टेशन में आपको ध्यान देना है, बिहेवियरल रिस्पॉन्स। ओके, धन्यवाद, इतना देर तक आपने इसको सुना, इसके लिए थैंक यू।